हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाइनी रूप्स। और मेरा नाम है रूपा। तो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा फेस पैक शेयर करने वाली हूँ जो आपके स्किन को ग्लोइंग भी बनाएगा और स्पॉटलेस भी बनाएगा। तो इसके लिए आपको चाहिए दही, एक टमाटर, नींबू का रस, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और हल्दी का पाउडर, और अगर आप चाहे तो इसके साथ आप बेसन का पाउडर भी मिला सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपका भी स्किन गर्मियों में जल गया है और एकदम टैन हो गया है तो उसके लिए आप ये वाला पैक अप्लाई कर सकते हो अपने ऊपर। ये डी टैनिंग के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप बॉडी पॉलिश करना चाहते हो, बॉडी पॉलिशिंग के लिए हम हज़ारों रुपया खर्च करते हैं पार्लर पे जाके, तो अगर आप एक बॉडी पॉलिशिंग पैक चाहते हो जिससे आपका पूरा शरीर चमकदार हो जाए, ब्राइट हो जाए, बहुत ग्लोई हो जाए, तो उसके लिए भी ये वाला पैक आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो। और ईद आ रहा है कुछ दिनों बाद, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा चमकदार हो जाए, चमके बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे जो स्पॉट्स है आपके चेहरे पे वो एकदम गायब हो जाए और आप बहुत ही अच्छे लगो, खूबसूरत लगो, तो उसके लिए भी आप ये पैक अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छा पैक है और हर कोई ये कर सकता है। हर स्किन टाइप के ऊपर ये वाला पैक आप अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मल स्किन हो, ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, या फिर कॉम्बिनेशन स्किन हो, कोई भी स्किन टाइप हो आपका, अगर आप चाहे तो इसको हफ्ते में हर दिन अप्लाई कीजिए, और अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 3 दिन आप इसको अप्लाई कीजिए। तो पैक का जो थिकनेस है कुछ इस टाइप का रहेगा, ज़्यादा पतला आपको नहीं बनाना है। उसके बाद ये पैक को लीजिए और टमाटर का एक छोटा सा हिस्सा ऐसे काट लीजिए थोड़ा सा करके, और उसके बाद टमाटर को पैक में डुबो लीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे ये जो पैक है इसको आप अपने चेहरे पे अच्छे से, पहले तो पूरे चेहरे पे आपको इसको अप्लाई करना है कुछ इस तरीके से, और उसके बाद 5 से 10 मिनट तक इसको रब कीजिए। अगर आपके एल्बोज और नीज़ बहुत ज़्यादा काले पड़ गए हैं, गांठ बहुत ज़्यादा काले हो गए हाथों के, पैरों के, तो आप ये पैक वहाँ पे भी लगा के कुछ इस तरीके से टमाटर से रब कर सकते हैं 5 से 10 मिनट तक। बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको। और पैक जब टमाटर से अप्लाई करना हो जाए चेहरे के ऊपर, उसके बाद आप धीरे धीरे हल्के हाथों से अपने चेहरे को मसाज करते जाइए। इसके बाद आपको अपने चेहरे को हल्के गुनगुने गर्म पानी से धो देना है, या फिर पॉसिबल नहीं है तो ठंडे पानी से धो दीजिए, और उसके बाद चेहरे पे कोई मॉइस्चराइज़र या फिर क्रीम जो भी आप लगाते हैं उसको लगाइए। तो गाइस, कुछ इस तरीके से आपको अपने चेहरे को धीरे धीरे मसाज करना है। उसके बाद 5 से 6 मिनट मसाज कीजिए और फिर पानी से अपने चेहरे को धो दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे आपका चेहरा जो है वो इंस्टेंट ग्लोई हो जाएगा। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो काफ़ी हेल्पफुल है, चेहरे में जो टैनिंग की प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छा काम करता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कीजिए, और घर में पड़ी हुई चीज़ों से ही आप अपने चेहरे को डी टैन कर सकते हो, ग्लोई बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। बाय बाय।